हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर। आईआईटी जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आईआईटी बॉम्बे जाना है। कहाँ जाना है? आईआईटी बॉम्बे जाना है। तो किस तरह से हमारी प्रिपरेशन करनी है, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम बात। तो मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे, तो आईआईटी बॉम्बे का मतलब मैं बात कर रहा हूँ अंडर 200 रैंक। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको टॉप 200 के अंदर आना है, इवन टॉप 100 के अंदर आना है, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये वीडियो सभी के लिए है ना, सभी के लिए मतलब चाहे आप फिजिक्स से हो, चाहे आप केमिस्ट्री से हो, चाहे आप मैथमेटिक्स से हो, इट डजंट मैटर व्हाट एवर सब्जेक्ट यू हैव, ये सभी के लिए वीडियो। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। देखिए भाई, तो आईआईटी बॉम्बे इज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे, जहां पर हर बच्चे का जाने का ड्रीम होता है। चाहे वो आईआईटी प्रिपरेशन, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हो 11th 12th के साथ या 11th 12th के बाद, और अगर उसके बाद नहीं जाते हैं तो बीएससी में एडमिशन लेते हैं, और बीएससी के बाद बहुत कम बच्चों को पता होता है। हालांकि आईआईटी जैम के बारे में अभी थोड़ा बहुत अवेयरनेस चालू हुआ है, अवेयरनेस आना चालू हुआ है बच्चों में। तो जो बच्चे अवेयर हैं, जो बच्चे आईआईटी जैम का एग्जाम देना चाहते हैं, उनका भी जो सपना है वो होता है कि आईआईटी बॉम्बे हम पहुंचे, है ना। तो आईआईटी बॉम्बे के लिए आपको जो रैंक चाहिए होती है, वो चाहिए होती है अंडर 200, कम से कम अंडर 200। मतलब मैं फोर्थ काउंसलिंग तक की बात कर रहा हूँ, लास्ट काउंसलिंग तक जाते जाते 160 रैंक तक आपको आईआईटी मुंबई या आईआईटी बॉम्बे बोल लो तो वो मिल जाता। क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसकी हम बात कर ले। देखो, अब जो कट ऑफ की मैं बात करूँ, अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स की मैं कट ऑफ की बात करूँ, तो कट ऑफ तो आपकी 20-25 नंबर पर भी क्लियर हो जाती है, पर हम यहाँ पर बात कट ऑफ की नहीं कर रहे, ना। अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, कट ऑफ तो आपका 20 से और 25 नंबर में क्लियर हो जाता है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, तो मैथमेटिक्स में ये वेरी करता है 15 से और 22 नंबर के बीच में मैथमेटिक्स में। केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, तो केमिस्ट्री में भी ये 20 से 25 नंबर में लगभग क्लियर हो जाता है, कई बार ऊपर नीचे चले जाते हैं, वहाँ पर रेंज यही रहती है। पर क्या कट ऑफ क्लियर होने पर आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको एनआईटी भी अच्छी ना मिले, कट ऑफ जस्ट क्लियर होने पर एनआईटी भी आपको अच्छे से ना मिले। आपको ये पता होना चाहिए कि आईआईटी जैम से आपको आईआईटी और एनआईटीज, इसके अलावा सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स में एमएससी में एडमिशन मिल जाता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो एक मैं अलग से बना दूंगा, जिसमें हम ये बात कर रहे होंगे कि आईआईटी जैम एग्जाम क्या है और कौन से इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है। फिलहाल आईआईटी मुंबई की बात चल रही है, यानी कि टॉप रैंक की बात चल रही है। तो जी, आप प्रिपेयर करना चाहते हैं टॉप रैंक के लिए, है ना। तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टॉप रैंक। टॉप रैंक का मतलब हो गया आपको अंडर 200 आना, ना। अंडर 200 पे श्योरिटी नहीं आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, 150 के नीचे आ जाते हो तो वहां पर एक चांसेस हो जाते हैं, अंडर 100 के अंडर श्योरिटी बन जाती है कि आपको आईआईटी मुंबई मिल जाएगा, ठीक है। तो अंडर 200 की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, मैं ये मान के चलता हूँ। तो अंडर 200 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं अक्टूबर में किताबें उठाऊंगा या उठाऊंगी, या नवंबर में मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा या करूंगी, क्योंकि फेब्रवरी के सेकंड वीक में एग्जाम होता है, तो मेरे पास 3 महीने हैं, उसमें तो मैं टहलका मचा दूंगी, तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन है वो या तो स्टार्ट कर देनी होती है फेब्रवरी से, तो फेब्रवरी में भी आप नहीं जागते हो तो मार्च अप्रैल आपके यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम आ जाते हैं, तो आप मान के चलो कि अप्रैल मई, अभी ये चल रहा है मई, तो मैं मान के चलता हूँ कि मई से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम अप्रैल और मई। आपको अप्रैल और मई तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अप्रैल और मई से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट जब आप कर दोगे, तो अक्टूबर तक जाते जाते आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि फिर जो उसके बाद के टाइम बचेगा, यानी कि नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, उसमें आपको ड्रास्टिकली रिवीजन मारना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना। तो आपका जो सिलेबस है, योर सिलेबस शुड बी कंप्लीट बाय अक्टूबर। योर कंप्लीट सिलेबस शुड बी कंप्लीट बाय अक्टूबर। तो अक्टूबर तक, ज्यादा से ज्यादा आप मान लो 15 नवंबर तक ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि हमें कॉलेज भी जाना होता है, इतना टाइम हम नहीं दे पाते। अब इस ड्यूरेशन के दौरान, ये जो हमने ड्यूरेशन पकड़ी अप्रैल
अप्रैल टू अक्टूबर की मैं ड्यूरेशन जो पकड़ रहा हूँ, इस ड्यूरेशन के दौरान आपको क्या क्या पढ़ना है उसकी हम बात कर लें, है ना। तो आप टॉप रैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, ध्यान रखना। तो इसमें दो मोड है, एक मोड है कि आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो कुछ भी मोड हो सकता है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। एक मोड हो सकता है सेल्फ प्रिपरेशन का, है ना। तो मैं दोनों के लिए बात कर लेता हूँ। एक तो हो गई सेल्फ प्रिपरेशन और एक हो गई आपकी कोचिंग, वो कोचिंग ऑनलाइन है या ऑनलाइन, वो कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोचिंग की। तो अगर आप कोचिंग वगैरह कहीं कर रहे हैं तो वो कोचिंग क्लासेस तो आपको लेनी है, ठीक है, कोचिंग क्लास तो आपको करनी है अगर आप ले रहे हैं तो। उसके बाद वो कोचिंग क्लास में जो क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, वो क्वेश्चंस एंड थ्योरी, वो आपको जिस दिन आपका जो टॉपिक हुआ वो उसी दिन आपको रिवाइज भी करना है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी करना है ना। वो क्वेश्चंस एंड थ्योरी आपको जो क्लास में कराए गए हैं वो करना ही करना है ना। तो क्लास क्वेश्चंस प्लस थ्योरी, ये आपको करनी ही करनी, ठीक। फिर उसके बाद बात करें कि आपको यहाँ पर कुछ असाइनमेंट्स भी दिए जाते होंगे। ये असाइनमेंट्स हो सकता है कि चैप्टर वाइज हो या फिर एक बड़ा टॉपिक है तो टॉपिक वाइज हो, तो वो डिपेंड करता है कि वो टॉपिक या जो है वो चैप्टर है वो क्या है, तो उसके हिसाब से। अगर वो नहीं है तो आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक्स सब होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स। तो वो स्टैंडर्ड बुक्स के जो आपको क्वेश्चंस है, स्टैंडर्ड बुक्स के जो क्वेश्चंस है वो आपको लगाने है ना। अब अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है तो कहीं से भी आप बीएससी कर रहे होंगे, कहीं से भी कर रहे होंगे तो वहां पर कुछ टेक्स्ट बुक्स चलती होंगी, और डेफिनेटली उन टेक्स्ट बुक्स में जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उनके पीछे एग्जांपल्स होंगे, है ना, या फिर जो कोई टॉपिक आपको समझाया गया है तो उसके एग्जांपल पक्का होंगे। तो जो भी आपको मटेरियल में पढ़ाया गया है, कोचिंग में पढ़ाया गया है, वो आपको वहां पर क्वेश्चन कराया है वो ठीक है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपकी, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं या जो आपका रेफरेंस बुक है या आपके पास जो यूनिवर्सिटी की आपकी बुक्स हैं बीएससी में जहां से भी आप कर रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चंस है वो आपको जरूर करना है। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज, उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज वहाँ कहाँ से करोगे। एक तो आईआईटी जैम की जो पीवाईक्यूज है वो आपको करना है। वो पीवाईक्यूज कौन से, कौन कौन से हो गए, वो हो गए आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज। फिर कौन से हो गए, वो हो गए नेट के, सीएसआईआर नेट के पीवाईक्यूज पर्टिकुलर टॉपिक के। नेट में तो बहुत वास्ट सिलेबस है, आपको आईआईटी जैम के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। बाजार में आजकल बहुत सारी किताबें मिल जाती है, वहां से पकड़ सकते हो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। गेट के पीवाईक्यूज अगर आप कर सको तो गेट फिजिक्स एग्जाम के पीवाईक्यूज, साथ ही साथ सीयूईटी पीजी फिजिक्स एग्जाम के, तो इतने पीवाईक्यूज आपको मारने। अब ये सब कुछ करने के लिए आपको जो टाइम है वो कम से कम चाहिए 6 से 8 घंटे पर डे। मतलब आप कॉलेज वगैरह जाते हो उसके अलावा ये 6 से 8 घंटे चाहिए। आपकी जो कोचिंग क्लास है उसका टाइम होगा 3 घंटे 4 घंटे, जो भी आपका टाइमिंग होगा, ऑनलाइन भी है तो दो तीन घंटे तो मेरे हिसाब से होगा। उसके बाद भी आप ये कहते हो कि मेरा कॉलेज का असाइनमेंट है, हालांकि वैसे मेरे को लगता नहीं कि बीएससी में इतनी कहीं पे पढ़ाई लिखाई होती होगी, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि आपके कॉलेज वगैरह का असाइनमेंट है, तो 6 से 8 घंटे भी पॉसिबल नहीं है तो ये जो कोचिंग क्लासेस है या ये आपकी ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, उसके बाद कम से कम आपको 4 से 5 घंटे आपको देने पड़ेंगे। क्योंकि अभी से आप 4 से 5 घंटे की सेटिंग डालोगे तो आपके ये जो क्वेश्चंस है वो आपके दिमाग में सेट होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपको रिवाइज भी मारना है। टॉप रैंक जब तक नहीं आ सकता जब तक आपके हाथ के नीचे ये क्वेश्चंस आपको याद ना हो जाए, आपके दिमाग में फीड ना हो जाए कि इस तरह का क्वेश्चन है, ऐसे क्लिक करना है। एग्जाम इज नथिंग अबाउट योर इंटेलिजेंस, एग्जाम आपकी इंटेलिजेंस के बारे में नहीं है। आप बहुत इंटेलिजेंस हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट आप हो सकते हैं, पर एग्जाम में परफॉर्म हम जब ही कर पाते हैं जब हमें एकदम से क्लिक कर जाता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे हो। वो तभी पॉसिबल है जब आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया होता है। काम करने का मतलब है कि उसको आपने बार बार रिवाइज किया होता है। वो रिवाइज तभी हो सकता है जब आप इतना घंटा कम से कम पढ़ रहे हो और आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर रिवाइज ना। तो आपको रैंक लानी है तो आपको अभी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। बात कर ले अगर सेल्फ प्रिपरेशन की, कोचिंग मटेरियल में या कोचिंग क्लासेस में क्या होता है कि वहाँ पर कोई ढूंढना नहीं पड़ रहा है कहाँ से आप मटेरियल ला रहे हो, कहाँ किधर से ला रहे हो ना, कहाँ से मटेरियल लाना है, मतलब कहाँ से कौन सी बुक से उठाना है, क्या पढ़ना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वो आपको कोचिंग क्लासेस में सब पका पकाया माल मिल जाता है, सेल्फ प्रिपरेशन में वो आपको चीज़ें जो ढूंढनी पड़ती हैं। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं पर फिर भी आपको ढूंढने में उनको टाइम जाता है कि मैं इसको यहां से पढ़ूं और इसको मैं यहां से। तो वो सेल्फ प्रिपरेशन में वो एक थोड़ा सा आपको जोर आएगा कि क्या पढ़ना है, वो टॉपिक कहाँ से खोजना है, कौन सी बुक से खोजना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका काम जो है वो बढ़ जाएगा।
सेल्फ प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपका सेल्फ प्रिपरेशन का टाइम 6 से 8 घंटे पर डे कम से कम होना चाहिए, 6 से 8 घंटे आपका जाएगा ही जाएगा। उसमें आपको क्या क्या करना है, एक तो आपके नोट्स बनेंगे, नोट्स तो आपके कोचिंग क्लास वाले भी बन रहे हैं, यहाँ पर भी बनाओगे, और उसके बाद वो स्टैंडर्ड बुक्स जहाँ से आप ये नोट्स बना रहे हो या जहाँ से भी आपने नोट्स भी लिए हुए हैं, किसी कोचिंग के नोट्स ले लिए, अपने दोस्त के ले लिए, या बाजार में भी आप अवेलेबल होते हैं वहाँ से नोट्स ले लिए, तो वो नोट्स आपको खुद के भी बनाने हैं। और फिर उसके बाद ये दोनों के लिए है, और उसके बाद फिर वही सेम प्रोसीजर, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन करने, स्टैंडर्ड बुक्स क्वेश्चन, उसके बाद जो PYQs है, PYQs वही सारे नेट के, गेट के, जैम के, ना CUET PG के, जितने आपको PYQs हों वो सारे के सारे क्वेश्चंस PYQs वाले सॉल्व करने, ठीक। अब जब ये आप करोगे, जब ये प्रिपरेशन आप करोगे, ये काम करोगे, तो आपके नोट्स बनते जाएंगे, साथ ही साथ जब आप PYQs सॉल्व करोगे आप, तो उस दौरान क्या होगा कि आपसे ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अटकाएंगे, वो क्लिक ही नहीं करेंगे, तो जो क्वेश्चंस आपको अटका देंगे उनको आपको नोट्स में लिख लेना है, नोट्स में मेंशन करना है उन क्वेश्चंस को जो आपको अटका रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपको अभी अटका रहा है वो बाद में भी आपको डेफिनेटली अटकाएगा, तो वो क्वेश्चन को नोट्स में लिख लेना है, उसका सॉल्यूशन आपको वहां पर लिख लेना है, वो सॉल्यूशन आपको लिख लेना है, क्योंकि जो आपसे अभी हो गए उसको आप बाद में करने बैठे हुए तो वो आराम से हो जाएंगे, वो क्वेश्चन बाद में भी हो जाएंगे, जो अभी नहीं हुए वो बाद में भी नहीं होंगे। इस तरह के क्वेश्चन, अब मान लो कोई 10 क्वेश्चन किए, 10 में से आपको 5 भी क्वेश्चन ऐसे मिल गए कि नहीं हुए, तो वो लिख लेना भाई, उसमें आलस नहीं करना है, उसमें ये सोचना नहीं है कि दोबारा पढ़ूंगा तो हो जाएंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, उस क्वेश्चन को लिख लेना, क्योंकि अभी अटकाया है तो बाद में भी अटकाए, तो वो PYQs, अब वो चाहे कितने भी PYQs के हों, चाहे जहां से भी जितना भी आप PYQs कर रहे हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको मेंशन करता जाना है, ठीक है। फिर ये तो हो गई पहले डे की प्लानिंग, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, मतलब अपनी प्रिपरेशन में आप आगे बढ़ोगे, तो सब्जेक्ट जैसे जैसे कंप्लीट होगा, तो पीछे वाले टॉपिक आपसे दिमाग से ना निकले, तो आपको एक रिविजन स्ट्रेटेजी बनानी भी पड़ेगी, रिविजन स्ट्रेटेजी आपको अभी से बना के लेके चलनी पड़ेगी अगर आपको टॉप रैंक लाना है। मतलब ये हो गया कि जैसे आपने मंडे टू थर्सडे आपकी रेगुलर स्टडीज चल रही है, तो मंडे टू थर्सडे आपको क्या करना है, जो आपने एक दिन पहले पढ़ा उसको आपको हाफ आवर का टाइम देना है, हाफ आवर्स रेगुलर रिवाइज, रेगुलर रिवीजन का आपको टाइम देना है, जो भी आपने एक दिन पहले का पढ़ा उसको रेगुलर रिवीजन का टाइम देना है, ठीक है। फिर आ जाओ फ्राइडे एंड सैटरडे को आपको क्या करना है, आपको बैकलॉग को कंप्लीट करना है। बैकलॉग का मतलब क्या हो गया, बैकलॉग का मतलब ये हो गया कि जो आप पढ़ रहे थे, या कुछ टॉपिक आपने स्किप कर दिया होगा कि यार ये क्वेश्चन मेरे से अभी नहीं बन रहा है, इसको मैं बाद में करूंगा, या जो आपके PYQs बच गए होंगे वो मैं बाद में करूंगा, तो जो भी चीज आपकी छूट गई है ना, तो वो बैकलॉग्स आपको कंप्लीट करते हुए चलना है फ्राइडे और सैटरडे को। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है कि मैं जनवरी में देखूंगा या देखूंगी या दिसंबर में देखना है, ये आपको फ्राइडे और सैटरडे में कंप्लीट करते हुए चलना है, और ये आपको कंटिन्यूएशन में लेकर चलना है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मान के चलें कि आप फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने पहला सब्जेक्ट मैथमेटिकल फिजिक्स उठा ली, अपने पहली जो यूनिट है वो कवर कर ली वेक्टर एलजेब्रा कवर करने में आपको लगा एक वीक, तो अब ये नहीं है कि इस एक वीक के अंदर आप नेक्स्ट जब दूसरा सब्जेक्ट चालू होगा तो इसको साइड में लगा दो, नहीं, आपको ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, यानी कि इसको पढ़ते जाना है, आपको रेगुलरली आधा घंटा देना है, इसको रिवाइज करना है। यहाँ पर जो भी आपका बैकलॉग इकट्ठा हुआ होगा, बैकलॉग का मतलब इसके PYQs हो गए है ना, कुछ PYQs बच गए होंगे और कई CSIR नेट के PYQs रह गए होंगे, तो वो PYQs आपको कंप्लीट करने हैं, जो भी रहे हुए हैं, जो भी रहा हुआ काम है, कोई टॉपिक आपका कमजोर रह गया वेक्टर अलजेब्रा के अंदर, तो जो भी रहा हुआ काम है वो आपको फ्राइडे सैटरडे में कंप्लीट करके चलना है, ठीक है। अब वो टाइम टेबल आप कैसे बनाओगे, उसमें आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको रेगुलर स्टडी का जो आपका टाइम है या तो थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा फ्राइडे सैटरडे में, या उसमें से कुछ पोर्शन कम करके और आपको बैकलॉग वाले टाइम में देना पड़ेगा। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अक्टूबर तक ना, तो ये अक्टूबर तक आपकी स्ट्रेटेजी होगी, टिल अक्टूबर, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। मान के चलते हैं आपका सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट हो जाता है, तो नवंबर या अक्टूबर तक जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपके पास नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं, आप PYQs कंप्लीट कर चुके हैं, और आप PYQs को अपने नोट्स में लिख भी चुके हैं जो आपसे नहीं हुए, तो आपके पास एक अच्छा खासा मटीरियल प्रिपेयर हो गया। अब आपको बुक्स खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने नोट्स बना लिए हैं, PYQs आपने मेंशन कर लिए अपने नोट्स में जो आपसे नहीं हुए, PYQs बाकी जो हैं वो आपके पास ऑलरेडी पड़े।
अब आपको क्या करना है, अब आपको रिवाइज करना है, अब आपको रिवीजन का टाइम टेबल बनाना है, यानी कि आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनके रिवीजन का टाइम टेबल आपको बनाना है कि किस तरह से आपको रिवाइज करना है, क्योंकि दिसंबर में और जनवरी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर भी एग्जाम भी होते हैं, तो इतना टाइम आपको नहीं मिल पाएगा कि आप इतना 6-6, 7-7 घंटे दें, क्योंकि वो सेमेस्टर एग्जाम भी देना इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये रिवीजन जो है वो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा आपको टाइम कम करते हुए ये रिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा। आपको ये PYQs जो हैं ये पहले से लिखे हुए हैं, पहले से लिखे हुए हैं तो फिर आपको सॉल्व करते हुए देखना है, सॉल्व करते हुए चलना है। तो इनिशियली आपको टाइम ज़्यादा देना है और फिर बाद में आपको चीज़ें रिवाइज करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने एंड दैट्स ऑल। बस आप इतना करेंगे तो डेफिनेटली आप 200 के अंदर आ सकते हैं, बशर्ते आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें, ईमानदारी के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि IIT जैम एग्जाम जो है उसमें कंपटीशन कम है, तो बच्चों को ये लगता है कि ज़्यादा तैयारी करते नहीं है, छोटी कम प्रिपरेशन के साथ भी एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, पर हमें कट ऑफ नहीं निकालनी, कि सिर्फ कट ऑफ निकालने से आप IIT बॉम्बे नहीं जा सकते या किसी IIT टॉप IIT में दूसरी में लाइक IIT दिल्ली में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर भी आपको अंडर 200 रैंक चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको जाना है टॉप IITs के अंदर या IIT बॉम्बे के अंदर जाना है तो इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है लक्ष्य 2025 बैच और IIT जैम 2025 फिजिक्स एग्जामिनेशन। ये बैच का जो प्राइस है लिमिटेड टाइम के लिए 5,500 रुपीज़ है, 5,500 रुपये है। ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा मेरी ऐप पर जिसका नाम है निंजा प्रेप बाय कपिल सर। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो सॉलिड कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको ये सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अभी वहाँ चल भी रहे हैं, अभी ये बैच लाइव में भी है और रिकॉर्डेड में भी है, मतलब डेली रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं वो अपलोड हो जाती है इस बैच के ऊपर। और इस बैच में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, साथ ही साथ जो PYQs है वो भी इस बैच में आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। होपफुली ये जो भी मैंने बताया इस वीडियो के अंदर आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।